लड़का रोहित दादरी गोहे का वो अभी फरार है। ये चार लड़कों ने ये वारदात करी थी और इनके पास तीन असले थे, एक की मैगजीन वहीं पे गिर गई थी और एक ही गोली उसमें मारी गई थी। इसी दौरान जब इनकी हम तलाश कर रहे थे तो इसी टीम को हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये दुबलदन में हो सकते हैं, जिसके यहाँ ठिकाना था वहाँ पे हमने जब रेड के लिए जा रहे थे तो उसी व्यक्ति के पास दो लड़के आए हुए थे जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। उनकी शक के आधार पर इनके जो हमें ये था कि मर्डर के एक्यूज हो सकते हैं, शक के आधार पर दो लड़कों को हमने पकड़ा है। एक तो इसमें है संजय एलियस भेड़िया, सन ऑफ लखीराम, आर ऑफ कलियाना, ये दादरी का रहने वाला है और पुराना क्रिमिनल है, अभी 15-20 दिन पहले ही अपना बेल पे आया है। इसके खिलाफ 2-302 के मुकदमे, फरौती के मुकदमे, पुराना अपराधी है। इसके साथ इसी के गांव का लड़का नवीन सन ऑफ जगदीर, ये हमें वहां से मिला था, ये भी कल्याणे का ही है, रहने वाला है। इनके पास से दो हमें अवैध हथियार बरामद हुए हैं और गोलियाँ बरामद हुई है। तो ये हमने कल तीन तो मर्डर के अंदर और दो आम सेक्ट के अंदर ये गिरफ्तार करे हैं और ये लड़के हमने रोहतक साइड से पकड़े हैं इन्फॉर्मेशन के आधार। पहले भी कोई वारदात कर रखी है जो मनी, इनमें से जो एक लड़का है रोहित, आपको ध्यान होगा कि करीबन एक साल पहले पतंजलि स्टोर पर यहाँ पे शहर के अंदर एक अटेम्प्ट हुआ था लूट का, जिसमें एक लड़के को गोली लग गई थी और एक लड़का फरार हो गया था जिसको बाद में पकड़ लिया था। तो एक लड़का है रोहित सनव हरद्वारी लाल, ये उस वारदात में भी था, तो ये इनका अटेम्प्ट फेल हो गया था, तो ये अपनी ट्राई में थे कि ये दूसरे अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाए। इस लड़के की अभी तलाश जारी है, इसको भी जल्द पकड़ लेंगे। पूछताछ में जारी पता चला है क्या कारण है इसका? मेन लूट कारण था और एक महीना पहले इन्होंने से एक लड़के ने रैकी भी करी है और एक के अकाउंट में पैसे डलवाने के बहाने आए थे, तो वहां देख के आए थे कि कितना कैश हो सकता है और पूरा उसका हुलिया हालिया से ही इनको ये भी पता था कि इस लड़के के पैर में लचक है तो ये भागा दौड़ी भी नहीं कर सकता, तो ये प्रॉपर लूट की उस नियत से आए थे, पर ये जो है ना सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि